हाय फ्रेंड्स, मेरे परम आदरणीय, मेरे मित्रों, मेरे भाई एवं बहनों, योग गुरु इंजीनियर एस के समेले यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको ये स्पष्ट रूप से आपको एक चीज बता रहे, एक टिप्स देना चाहता हूँ कि आप जब भी मंच पर जाएं और आपके भाषण के दौरान शुरू से अंत तक तालियां कैसे आप बटोर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप उसके लिए अपने पूरे स्पीच को, आप अपने पूरे भाषण को तीन पार्ट में उसको डिवाइड कर रहे हैं। पहला भाग होगा इंट्रोडक्शन ऑफ द स्पीच। आप जाके पहले शुरुआत कैसे करें किसी भाषण की, उसको पूरे आप विश्वास के साथ में, वहाँ जहाँ पर आप भाषण देने जा रहे हैं उस नगर का, उस स्थान का क्या महत्व है, वहाँ कोई महापुरुष पैदा हुआ है, वहाँ कोई वीर पैदा हुआ है, वहाँ कोई मंदिर है, तो उसको लेकर के आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। इसके तुरंत बाद आपको मंच पर बैठे हुए आपके जो VIP हैं, आपके जो गेस्ट वगैरह हैं, उनके नाम को संबोधन करते हुए आपको प्रारंभ करना है। इसके ठीक तुरंत बाद आपको इधर उधर की कोई बात ना करते हुए सीधे विषय वस्तु के ऊपर आ जाना है कि आपको किस विषय को लेकर के वो कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है, वो आयोजन किया गया है, उसको लेकर के आपको एक प्रभावशाली भाषण देना है। उसमें ये विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि भाषण देते समय, स्पीच देते समय आप बिल्कुल अटके ना, धारा प्रवाह आपके शब्द निकलना चाहिए। दूसरा चीज है, आपको बहुत महत्वपूर्ण, आपको कभी लिखा हुआ कागज हाथ में लेकर के अपना कोई स्पीच नहीं देना है। और तीसरा बात आती है फिर अंत में, उसका जो रेजोल्यूशन है, जो उपसंहार है, अंत आपको भाषण का किस किन शब्दों के साथ में आपको करना है। उसमें आप अंग्रेजी के कोई कोटेशन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, संस्कृत के श्लोक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती है जो ऊर्जा का संचार करने वाली जो शायरी है, जो कविता है, उनको आप लेकर के उसमें समावेश आप कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि चूंकि मैं योग गुरु भी हूँ, तो मेरे पूरे चैनल में समस्त रोगों से संबंधित उपचार, योग से कैसे उपचार हो रोगों का, वो आपको मेरे चैनल पे अलग अलग रोगों के उपचार के वीडियो पड़े हुए हैं। इसके अलावा अगर आप जो भी डिमांड करेंगे कि फला रोग में कौन सा आसन करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, उसका भी मैं आपको बराबर पूरा अपने वीडियो के माध्यम से आपको सोल्यूशन देगा दूंगा। और मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करें। तो आपको मैं प्रैक्टिकली, अभी लोग तो टिप्स भर देते हैं कि ऐसा भाषण दीजिए, ऐसा स्पीच दीजिए, ऐसा बोलिए, बट अपना प्रैक्टिकल मैं आपको दिखवाना चाहता हूं कि मैंने जो भाषण दिया उसमें शुरू से अंत तक दर्शकों ने लगातार तालियों की गड़गड़ाहट से भरपूर था। तो लीजिए, आपको सुनवाते हैं हम अपना एक ऐसा ही स्पीच, एक ऐसा ही प्रभावशाली भाषण। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं बहुत शॉर्ट, संक्षिप्त, स्वीट, शॉर्ट एंड स्वीट शब्दों में, कि जिस तरह से भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने राम के साथ में 12 वर्ष तक तपस्या करके भूखे प्यासे और बिना नींद के एक पांव पे खड़े होकर साथ दिया था, उसी तरह से हमारे मनरेगा के साथी आपके साथ में खड़े हुए हैं। लेकिन हम लोगों का इंतजार कर रही नियमितीकरण रूपी उर्मिला जो हमारा इंतजार कर रही है, उस नियमितीकरण रूपी उर्मिला से दादा मिलवा दीजिए। हमारा आप लोगों से यही निवेदन है, हम लोग लक्ष्मण है आपके भाई, और हम इसके लिए जी जान से हर वक्त आपके साथ में जी जान से दादा तैयार हैं। हम लोगों की बताए हुए वेदना बहुत गंभीर है, अभी ब्यास जी बोल रहे थे, बट हम लोगों की वेदना एक शब्द व्यक्त नहीं की, बड़ा कष्ट हुआ। हम लोग तो ऐसे ऐसे लड़ाके हैं कि जो आपका इंजीनियरिंग का काम करने के साथ साथ सरकार बोलती है नसबंदी का भी टारगेट कराओ, तो हम लोग वो कटवाने में भी माहिर है, हम लोग वो भी टारगेट दे देते हैं। अगर आपका टारगेट सड़क पर डिलीवरी हो जाती है, हम लोग संस्थागत प्रसव भी करा देते, हम लोग स्कूल भी चेक करते हैं, हम लोग स्वास्थ्य केंद्र भी चेक करते, आंगनबाड़ी भी चेक करते, ऐसा दुनिया का सुई से लेके हवाई जहाज तक, हींग से लेके हल्दी तक, ऐसा कोई काम नहीं है जो हमारा साथी नहीं करके दिखा सकता है। हम तो हर वक्त हैं तैयार शहादत के लिए, मगर खून में जोश चाहिए बगावत के लिए। मेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा, इस स्याह समुंदर से नूर जरूर निकलेगा। दादा, व्यथा और वेदना इतनी अधिक है, हम लोगों का शोषण, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, हर तरह का शोषण किया जा रहा है। सीओ साहब रात को 11 बजे भी फोन करते हैं, कल जरा देख लेना, जनगणना में तुमको नोडल अधिकारी बनाया गया। अरे श्रीमान, अब तो स्थिति आ गई दादा कि घर में पति पत्नी का तलाक होने वाला है, क्योंकि बोलती है 4 दिन से सब्जी नहीं है, तेल बिना तेल की सब्जी खा रहे हो, क्योंकि 6 दिन वो पूरे और इतवार के दिन कलेक्टर की मीटिंग, कमिश्नर का दौरा, कहीं कुछ, ये खाज खुजली के काम, सर्किट हाउस में महाशय पधार रहे, 1 घंटे में 5,000 रुपए निपट जाते हैं हमारी जेब से। दादा, बिना मांगने से
कुछ नहीं मिलता है, इसे अपने दिल की भड़ास भदौरिया जी और संग्राम सिंह दादा से करूंगा दो शब्दों में। छेड़ने से मौन भी पाचाल हो जाता है, छेड़ने से मौन भी पाचाल हो जाता है, टूटने पर शीशा काल हो जाता है। हमारे खून से हवन करना बंद करो यारो, हमारे खून से हवन करना बंद करो यारो, क्योंकि काला कोयला भी जलने पर लाल हो जाता है, काला कोयला भी जलने पर लाल। दादा अंदर वो जोश और ऊर्जा है, आप हम लोगों को काम के लिए पुंछ और मेडर और लेह और लद्दाख में लगा दीजिए। हमारे साथी 18 घंटे काम करते हैं, गुलामी से लेके इंजीनियरिंग निर्माण तक के लेके सारे काम करने के लिए हम लोग तैयार हैं, और आपका संघर्ष भी काबिले तारीफ है। दादा आपने जो पौधा लगाया था इंजीनियर्स एसोसिएशन का, वो आज वट वृक्ष के रूप में ये सामने जो विशाल वृक्ष देख रहे हैं ये सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन ये यात्रा रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि ताश के पत्तों से महल नहीं बनता, ताश के पत्तों से महल नहीं बनता, नदी को रोकने से समुन्द्र नहीं बनता। हर पल जिंदगी में आगे बढ़ते रहना यारो, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। इसीलिए माननीय यादव जी ने बड़ी अच्छी बात कही, हमारे माथे पर जो संपदा शब्द का कलंक का टीका है, दादा भदौरिया जी और संग्राम सिंह दादा आपके हाथों से इस पुनीत नगरी की क्षिप्रा नदी के जल से वो कलंक का टीका खुलवाने आए हैं हमारे साथ। वो आप लोग अपने कर कमलों से आज ये वचन दिलवाइए कि जो पद 2250 क्रिएट किए गए हैं उसमें हमारे साथियों से ही भरे जाए, ना कोई टेस्ट ना कोई परीक्षा। हमारी और क्या अग्नि परीक्षा लोगे, हमारी परीक्षा लोगे, हम सारी परीक्षाएं दे के बैठे हुए हैं। अब हम आज बुढ़ापे में पढ़ने बैठेंगे, बच्चे कहेंगे पापा कौन सी तैयारी कर रहे हैं, आज हम दादा तैयारी के लायक बच्चे, हम किताबें खोल के भूल गए, आरसीसी के डिजाइन भूल गए, भूल गए। माननीय विश्वकर्मा जी ने बड़े अच्छे अच्छे संस्मरण हमें इंदौर की ट्रेनिंग में सुनाए थे, मजा आ गया था साहब, बहुत ज्ञानवर्धक बातें बताई थी। तो हमारे ऐसे मार्गदर्शक बैठे हुए हैं, लेकिन दोस्तों कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जिंदगी में हंसने के लिए कभी कभी रोना पड़ता है, यूं ही नहीं मिल जाता सवेरा, सुबह पाने के लिए रात भर सोना पड़ता है, सुबह पाने के लिए रात भर सोना पड़ता है। इसलिए हम लोग तो हमेशा जो है निराशावादी नहीं है, आपके नेतृत्व में हम बराबर आशावादी हैं। तकदीर के खेल में कभी निराश नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते, हाथों की लकीरों पर मत जाना यारो, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती जिनके हाथ नहीं होते, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। दादा हमारा एक एक मनरेगा का साथी एक एक आग का गोला है, आप जहां पटकोगे बाम विस्फोट कर देगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये आपकी ताकत आपके सामने बैठी हुई है। ऐ गुलिस्तां वालों जो ऊपर बैठते हैं एसी में ऊपर बल्लभ भवन में, ऐ गुलिस्तां वालों इन गुलों से मुस्कराना सीख लो, उन्हें भी संदेश देता हूँ, ऐ गुलिस्तां वालों इन गुलों से मुस्कराना सीख लो, बेतकल्लुफ हर एक दिल में घर बसाना सीख लो, तुम्हारी ताजीम में झुक जाएंगे दुनिया के सर, तुम्हारी ताजीम में झुक जाएंगे दुनिया के सर, शर्त है कि लेकिन पहले सर झुकाना सीख लो, शर्त है कि लेकिन पहले। इसलिए दादा बहुत वेदना और बहुत दर्द है, वो अंदर ज्वालामुखी बन करके कभी भी फट सकता है, इसलिए दादा राजेंद्र सिंह भदौरिया और आदरणीय संग्राम सिंह दादा जैसे हमें कमांडेंट मिले हैं, हमें ऐसे कैप्टन मिले हैं, तो हम दुनिया की कोई भी फतह हासिल कर सकते हैं। और आपके नेतृत्व में रिजेक्टेड इंजीनियरिंग सर्विस कहलाती थी, वो रॉयल इंजीनियरिंग सर्विस बन चुकी है, वो रॉयल इंजीनियरिंग सर्विस बन चुकी है। इसलिए हमें कुछ पाने के लिए मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार। बस दो शब्दों के साथ में अपनी वाणी को, मेरी वेदना आप समझ गए होंगे, छोटे ही शब्दों में शेर और कविता के माध्यम से इस धरा पर फल पाने को श्रम सबको करना पड़ता है, इस धरा पर फल पाने को श्रम सबको करना पड़ता है, ईश्वर सिर्फ रेखाएं देता है, रंग हमको भरना पड़ता है, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती,
लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, बिना पिसे मेहंदी लाल नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अंतिम दो शब्द, क्योंकि कविता, साहित्य, पत्रकारिता, पंडिताई, नेतागिरी सब किया हूँ जीवन में, बुढ़ापे में नौकरी लगी, दादा जैसे बुढ़ापे में लड़का पैदा हो जाए, 7 साल की उम्र में लड़का हुआ है लड़का दादा, 48 साल की उम्र में नौकरी लगी है, तो ये लड़का मर ना जाए, पोलियो ना खाना, इसको ड्रॉप खिलाना, अंतिम अंतिम दो पंक्तियां, जो धार नहीं रुकती चट्टानों से सागर उसका अभिनंदन करता है, और जो दीप नहीं बुझता तूफानों से उजियारा बाती बनकर जलता है, जय हिंद, जय भारत, जय संग्राम सिंह दादा और राजेंद्र सिंह दादा, संघर्ष करो हम।